इस वीडियो में हम HTML की हेल्प से बनाए गए वेब पेज में इमेज किस तरीके से लाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स वेब पेजेस ओपन किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके की इमेजेस उसमें होती हैं। टेक्स्ट तो होता ही है साथ में बहुत सारे ग्राफिक्स भी होता है जिससे कि हमारी वेबसाइट वेब पेज बहुत ही अट्रैक्टिव लुक में दिखाई देता है। तो उसी तरीके से आज हम हमारे वेब पेज में हमने जो वेब पेज बनाया है उसमें एक इमेज लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HTML के हेल्प से जब हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो हम अलग अलग तरीके के बहुत सारे टैग्स का यूज करते हैं। तो इसीलिए ही इमेज लाने के लिए भी किसी वेब पेज में इमेज लाने के लिए भी HTML हमें इमेज टैग की फैसिलिटी देता है। इमेज टैग एक ऐसा टैग है जिसकी हेल्प से आप अपने वेब पेज में किसी भी तरह की कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देख पा रहे होंगे IMGSRC = इन्वर्टेड कॉमा में आता है इमेज का नाम। तो चलिए अब हम इसे हमारे एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जाती हूँ स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे मैं सबलाइन टाइप करती हूँ। सबलाइन क्यों? क्योंकि आप सबलाइन पे ऑफकोर्स अपना जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वो सबलाइन में हम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद कंट्रोल एन प्रेस करेंगे फॉर न्यू फाइल, हमने न्यू फाइल ले ली। अब इसके बाद यहां पर मैंने लगाया HTML ओपन और यहां पर मैंने कर दिया HTML क्लोज। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद इसके बीच में हमें आना होगा और यहां पर देना होगा हेड, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज। इसके बाद यहां पर हमें देना होगा टाइटल ओपन, यहां पे मैंने दिया इमेज टाइटल, हमने दे दिया IMAGE इमेज और यहां पे कर दिया टाइटल क्लोज, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हेड के नीचे आती है क्या, बॉडी, BODY बॉडी, ये दे दिया और यहां पे मैंने दे दिया बॉडी को, कर दिया क्लोज, ये कुछ इस तरीके से। अब यहां पर इस बॉडी के अंदर मैं एक टैग यूज कर रही हूं, सेंटर टैग, सेंटर, और मैंने दिया वर्किंग विथ इमेज टैग, ये करा और यहां पे कर दिया सेंटर क्लोज, कुछ इस तरीके से। तो चलिए पहले हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें कहां जाना होगा, ऑफ कोर्स फाइल मेन्यू में सेव, सेव के बाद हमें जाना होगा डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर मैंने यहां पे आज का डे दे दिया, मैंने न्यू डे डॉट HTML लगाना जरूरी है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिकॉज के HTML इसका एक्सटेंशन होता है। सेव, ये हो गया। चलिए अब सेव जब हो गया है तो हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं ताकि हम इस पे इमेज ला पाए। ये मिनिमाइज करती हूं, इसे भी हम मिनिमाइज कर देते हैं और न्यू डे कहां गया, ये रहा हमारा न्यू डे। अब इस पर डबल क्लिक करके इस वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं जिसमें क्या है, हमारा डेटा थोड़ा सा जो कि हमने सेंटर टैग के अंदर डाला था, ये ओपन हो रहा है। अब यहां पर हमें कुछ दिख नहीं रहा, हाँ, वर्किंग विद इमेज टैग जो हमने लिखा था सेंटर टैग के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसकी हेल्प से आप वेब पेज के कंटेंट को सेंटर में ला सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास सेंटर में क्या लिखा हुआ है, वर्किंग विद इमेज टैग। अब इसके साथ ही हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए एक इमेज। तो इमेज लाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहां पर अपनी कोडिंग पे जाऊंगी, यहां पर इसके नीचे मुझे लाना होगा क्या, IMGSRC लिखना होगा क्योंकि इमेज टैग का जो सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है, = डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर हमने कर दिया इसे क्लोज। अब यहां पर मुझे चाहिए इमेज का नाम, कि इमेज का नाम क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, वो लाने के लिए आप यहां पे स्टार्ट पे टाइप करिए RUN रन, रन टाइप करने के बाद इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहां पर आ गया, यहां पर जाइए ब्राउज पर। ब्राउज पर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा इमेजेस में, इमेजेस के बाद आपको जाना होगा ऑल फाइल्स में,
और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ DCA वाली ओपन, ये ओपन हो गई। इसके बाद मैंने इस पर कंट्रोल ए करा फॉर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी करा फॉर कॉपी और कर देना कैंसिल नॉट ओके। ठीक है, यहां पर आते हैं और इसके बीच में हम कर देते हैं कंट्रोल वी। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यदि आपको दिख रहा हो तो एक एक इन्वर्टेड कॉमा आप हटा दीजिए कुछ इस तरीके से, ये आ गया। अब कंट्रोल एस करिए अगेन फॉर सेव, आप चाहे तो कंट्रोल एस यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ऑफकोर्स अपने फाइल को मिनिमाइज करके ब्राउजर पर आना हो। ब्राउजर पर आ गए जहां पे पुराना वाला टेक्स्ट हमें शो हो रहा है, अब इसे हमें करना होगा रिफ्रेश। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वो इमेज आ गई। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरह की कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो अपने वेब पेज पर। आप चाहें तो एक फोल्डर के अंदर इमेज डालकर और अपनी फाइल को अगेन वहां पे सेव कर सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम देकर भी सेव कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो जो भी आपको इजी लगे आप वाला अप्लाई कर सकते हो।